الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نورا قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتهم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العلي العظيم صلوات دین و حکمت کے عنوان سے اس عشرہ محرم کی مجالس کو آپ تمام عزاداران سید مظلوم کی خدمت میں پیش کروں گا. ہم سب عام انسان ہیں, ہم سب حقیر ہیں, ہم سب ناچیز ہیں, لیکن انسان کا احترام اس کے عقیدے کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے. کیا کہنے, کیا کہنے, سبحان اللہ. انسان کا مقام اس کی نسبت کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے, سبحان اللہ. آپ سب الشہداء, اپنی قدر و منزلت کو سمجھیں. ہم کچھ نہیں ہیں, لیکن ہم جس سے منسوب ہیں وہ سب کچھ ہے. کیا کہنے, کیا کہنے. 1444 ہجری کے جو تقاضے ہیں میں ان کے مطابق ان مجالس کو پیش کرنا چاہتا ہوں. پوری دنیا سن رہی ہے مجھے, چند دن ہوئے کراچی آئے ہوئے. ان دو تین دنوں میں بہت سے لوگوں نے ملاقات کی. میں اگر احتیاط سے بھی کہوں تو شاید 200-400 لوگوں سے زیادہ مجھ سے ملے ہیں. بہت سے سیاستدان, شخصیات, دانشور, سب لوگ. ان میں بہت سے میرے دیگر مسالک کے ماننے والے برادران بھی تھے, اور وہ سب کہہ رہے تھے ہم آپ کو سنتے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ جو عشرہ میں نے تیار کیا ہے, میں 1444 ہجری کے تقاضوں کے مطابق مطالب کو پیش کروں گا. ہر دور میں دین سے لوگوں کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں. کبھی توحید کو اجاگر کرنا ضروری ہوتا ہے, کبھی عدل الہی کو بیان کرنا لازم و ضروری ہو جاتا ہے,
कभी अकीदा नबुव्वत और ख़त्म नबुव्वत को वाज़े करना ज़रूरी हो जाता है, कभी इमामत व विलायत को बयान करना ज़रूरी होता है, कभी माद व क़यामत के मसाइल को बयान करना ज़रूरी होता है। लेकिन हर दौर में हर मसले का एक ही हल है और वो है हुसैन इब्ने अली। क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह। तो दीन के बहुत से तकाजे जो पेश कर रहा हूँ, मैंने एक इंटेलेक्चुअल मौजू लिया है, मुझे मालूम है आप लोग बहुत तंग बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ बैठने की जगह नहीं है, बाहर से देख के आया हूँ, मेरी बहनें मेरे भाई जहाँ जहाँ बैठे हैं, जिस भी जहमत में बैठे हैं सुन लीजिएगा। हर दौर के तकाजों के मुताबिक जब भी आप देखेंगे तो दीन में एक हल, एक सोल्यूशन नजर आएगा, हर जगह पे एक ही हल नजर आएगा और वो है जनाब सैयदुश्शहदा। तो इसीलिए अल्लाह सुबहानहू तआला ने उन्हें मरकज बनाया है। पेश कर रहा हूं, तमाम मुसलमानों में आपको सैयदुश्शहदा के मानने वाले मिल जाएंगे, सिर्फ मुसलमानों में नहीं, क्या कहने, क्या कहने, मुस्लिमों में, सारे मजमे की तवज्जो होगी, गैर मुस्लिमों में भी आपको सैयदुश्शहदा के मानने वाले मिल जाएंगे, मुशरिकों में आपको इमाम हुसैन से मुतासिर अफराद मिल जाएंगे, हिंदुओं में आपको ऐसे अफराद मिलेंगे जो इमाम हुसैन से मुतासिर हैं, उनकी तारीफ करते हुए आपको मुशरिकों में मिलेंगे, काफिरों में मिलेंगे। तवज्जो, इमाम हुसैन से मुतासिर, इमाम हुसैन को मानने वाले, उनके फजाइल के कायल, उनकी अजमत के कायल, आपको तमाम मुस्लिमों गैर मुस्लिमों में मिल जाएंगे। तवज्जो, मुशरिकों में मिल जाएंगे, हिंदुओं में मिल जाएंगे, सिखों में मिल जाएंगे, यहूदियों में मिल जाएंगे, ईसाइयों में मिल जाएंगे, जरतुश्तों में मिल जाएंगे, आतिश परस्तों में मिलेंगे, पारसियों में मिलेंगे, जो किसी दीन को नहीं मानते उनमें भी, एक ही सोगा उसमें भी मिल जाएंगे, मुलहिद जिंदीक जो खुदा को नहीं मानता वो भी कहेगा मैं हुसैन को मानता हूं। तो दुनिया के तमाम अदियान में, बल्कि वो जो किसी दीन को नहीं मानते उनमें भी मिलेंगे, तो हुसैन की अजमत के कायल, हुसैन की तारीफ करते हुए लोग हर जगह मिलेंगे, लेकिन यजीद की तारीफ करते हुए, क्या बात, क्या बात, क्या बात, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, नारा हैदरी बर मोहम्मद आले मोहम्मद सलावत, क्या कहने। मैंने बात मुकम्मल ही नहीं की, आपने दाद दे दी, शायद मेरा जहन पढ़ लिया हो, नहीं शायद आपने जहन ना पढ़ा हो, एक मेरे पहलू पे गौर कीजिएगा। इमाम हुसैन की तारीफ करने वाले तमाम अदियान में मिल जाएंगे, जो किसी दीन को नहीं मानते, जो किसी दीन को नहीं मानते वहां भी आपको इमाम हुसैन की तारीफ करने वाले मिलेंगे, लेकिन यजीद की तारीफ करने वाला आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा तो मुसलमानों में मिलेगा। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, हैदर, सलामत रहिए, सलामत रहिए। अब पहुंच गए, अब मेरी बात पहुंच गई, मैंने अपनी बात पहुंचा दी है। पूरी दुनिया में कभी कोई हिंदू नहीं कहेगा यजीद रजी अल्लाह, लबैक या हुसैन, बर मोहम्मद आले मोहम्मद सलावत। क्या कहने जनाब, सुभान अल्लाह। अब बात पहुंच रही है मेरी जाने के, कभी आपको कोई किसी दुनिया के किसी दीन में, मजहब में, मसलक में, कभी हिंदुओं में, सिखों में, ईसाइयों में, यहूदियों में नहीं मिलेगा,
ये कहता हुआ यजीद अच्छा था। जालिम से हर आदमी नफरत करता जिसमें इंसानियत होगी वो जालिम से नफरत करेगा, जिसमें इंसानियत होगी वो जालिम से नफरत करेगा। अरे इसने इतने अफराद को मार दिया, हुसैन जैसे को शहीद कर दिया, छुपा के नहीं। भाई इमाम हसन मुस्तफा अलैहि सलाम का मसला यह है कि जहर जिन्होंने दिया था, जिन्होंने सिर्फ जोदा बिनते अशस नहीं, क्या कहने नहीं है भाई, हाथ जोदा बिनते अशस का था, जहर देने वाली जोदा बिनते अशस थी, हाथ जोदा का था, 5000 सोने की अशरफियां भिजवाने वाला और था। क्या कहने, क्या कहने, चलेंगे सुभान अल्लाह सुभान, क्या कहने। मैंने मुकम्मल नहीं किया, बात पहुंचती रहे। हाथ जोदा बिनते अशस मलूना का था, उसने जहर दिया, पैसे किसी ने भिजवाए, सोने की 5000 अशरफियां दी, सिक्के दिए और कहा अपने बेटे से तेरी शादी करवाऊंगा। जब उसने जहर दे दिया, पहुंची शाम का, तूने कहा था अपने बेटे से शादी करेगा, उसने कहा नहीं, हसन मुश्तबा जैसा दुनिया में कोई आदमी नहीं, वो इतना पाक था, तूने पैसों की खातिर उसे मार दिया, मेरा बेटा यजीद तो है ही पलीद। क्या कहें, क्या कहने, बहुत रहे, क्या कहें, इसी तरह है इधर है इधर क्या कहें याली। तवज्जो फरमा रहे जाने ग्राम, बहुत बड़ा मसला था ना, का हसन मुश्तबा जैसा खूबसूरत कोई नहीं। यहां तक है रिवायात में मौला हसन मुश्तबा जब मदीने में बाजार में आते थे ना खरीदारी के लिए, बाजार रुक जाता, मौला हसन मुश्तबा इतने खूबसूरत थे, पूरा बाजार रुक जाता देखने के लिए, इतने खूबसूरत थे। तो उसने कहा हसन से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं, हसन से ज्यादा सखी कोई नहीं, हसन से ज्यादा शुजा कोई नहीं, हसन सारी खूबियों का मालिक था, तूने 5000 सोने के सिक्कों के लिए उसे जहर दे दिया, मेरा बेटा यजीद तो है ही शराबी। अब मिंबर लायक नहीं मैं बयान करूं, दीन का क्या काम था, दीन का काम है रिश्तों का पास बताए, ये माँ है भाई, बहुत से बहुत पहुंच गए हैं, क्या बात। अच्छा देखिए ज्यादातर यहां जवान बैठे हैं, मैं खुल के बयान कर नहीं सकता, पाकिस्तान के हालात जहन में रखिएगा। देखिए रिश्तों का पास दीन ने सिखाया, दीन ने बताया, ये माँ इसका ये एहतराम, ये बहन ये बेटी ये फुफी ये खाला ये बीवी सबके एहतराम रिश्तों के दीन ने बताया, दीन ने रिश्तों के एहतराम बताए, दीन ने। अब मैं नहीं बता रहा, मेरा मौजू है दीन, मुझसे ना पूछें, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से अजमेर में जाके पूछ लें, उन्होंने कहा शाह हुसैन, क्या कहना, बादशाह हुसैन, क्या बात, दीन हुसैन, नारा हैदरी हैदरी बर मोहम्मद आल मोहम्मद सलावात सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। पहुंच रहे हैं हजरात, खुदा की कसम मिंबर के लायक नहीं है यजीद का किरदार के बयान करूं, हमारा ये मिंबर पाक हस्तियों के बयान के लिए। यजीद रिश्तों का पास नहीं रखता था, बस इतना कहना काफी है, महरम ना महरम का दीन सिखाता, जिसे महरम ना महरम की तमीज ना हो वो यजीद है, उस दौर का भी इस दौर का भी।
क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह। जो पहुंच गए वो पहुंच गए। फैजाने के नाम रिश्तों का पास दीन ने सिखाया। और खाजा मुइनुद्दीन चिश्ती कह रहे हैं दीनस हुसैन, ये रिश्तों का पास हुसैन बताएंगे। फैजाने के नामी तमाम अदियान में दुनिया में, तो उसने अपने बेटे की शादी नहीं की जोदा बिनते अशरफ से, तमाम अदियान में इमाम हुसैन का एहतराम। सिर्फ एक जुमला कह दूं, अगस्त शुरू होने वाला, यहां तक कि महात्मा गांधी से जब पूछा कि भाई 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ कौन कौन सी नेशनल छुट्टी होगी, जैसे कभी 15 अगस्त की होगी तो बताया दिवाली की होगी, होली, ये जो हिंदू त्यौहार हैं, क्या और आशूरे की छुट्टी होगी। तो एक आदमी ने कहा गांधी जी हमारे यहां बहुत ज्यादा मुसलमान हैं, सारे मुसलमान ईद मनाते हैं, तो आप ईद की छुट्टी देते, आपने ईद की छुट्टी नहीं दी, आशूरे की छुट्टी दी। कब मुझे मुसलमानों से मतलब नहीं, मुझे हुसैन से मतलब है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। मैंने अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक का चलाना और उसे कामयाब करना हुसैन से सीखा। क्या कहने, जो 72 के साथ जाके दुश्मन से लड़ पड़े, ये नहीं सोचा अंजाम क्या होगा। ऐजाने गिरामी जनाब सैयदुश्शहदा से मुतासिर पूरी दुनिया में नजर आएंगे। जुमला मुकम्मल कर दूं, जो आपने बहुत मोहब्बत से सुना है, दीन और हिकमत जहन में रखिएगा। बगैर हिकमत तो दानाई, हिकमत यानी दानाई, बगैर हिकमत के दीन समझ नहीं आता। तो अब तमाम अदियान में, तमाम मुस्लिमों, गैर मुस्लिमों, मुलहिदों, मुशरिकों, जिंदीकों, सब में इमाम हुसैन का एहतराम, लेकिन यजीद का कोई एहतराम नहीं करता। अगर कभी कोई किसी कोने खुदरे से उठता है तो हमेशा क्या कहने, कोई मुसलमान ही उठता है कि नहीं यजीद भी क्या कहने रजी अल्लाह था और न जाने क्या कुछ था। ऐजाने गिरामी अपने नफ्सों को टटोलें, ओ मुसलमानों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी हुसैन से दूरी के नतीजे में यजीद से करीब होने लगे हो, यजीदियों से करीब होने लगे हो। इसलिए जरूरी है कि जरा अपने नफ्स को एक मरतबा झंझोड़ो और देखो। आए जरा पेश कर रहा हूं, फअकिम वजहका लिद्दीन हनीफा फितरत अल्लाह लती फतर अन्नास अलैहा ला तब्दील लखल्किल्लाह। दीन क्या है पेश कर रहा हूं, अल्लाह फरमा रहा है मेरे हबीब अपने चेहरे को दीन की तरफ रखिए कि अल्लाह ने फितरत अल्लाह लती फतर अन्नास अलैहा, अल्लाह ने सारे इंसानों को, सारे लोगों को दीन की फितरत पे खल्क किया। तो अब हर बच्चा पैदा होने वाला दीन की फितरत पे पैदा होता है, फितरत में तौहीद है। सुनेंगे, फितरत में तौहीद है, अकीदा तौहीद फितरत में है। बच्चा अल्लाह को मानता हुआ पैदा होता, तवज्जो, बच्चा अदल इलाही को मानता हुआ दुनिया में आता, वालिदैन उसे मुशरिक बनाते हैं, वालिदैन उसे हिंदू बनाते हैं, वालिदैन यहूदी बनाते हैं। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। हदीस नबवी है, कुल्लो मौलूदिन, शिया सुन्नी दोनों किताबों में, कुल्लो मौलूदिन यूलद अला फितरत इस्लाम, हर बच्चा जो दुनिया में आता है फितरत इस्लाम पे पैदा होता। अबवान युहब्बदान नहीं और युनसरान नहीं और युजन्नसान, तीन अदियान के नाम लिए रसूल खुदा ने, हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता। ये माँ बाप हैं जो उसे यहूदी बना देते हैं, या नसरानी बना देते हैं, ईसाई या मजूसी बना देते हैं। हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। माँ बाप हैं यहूदी बनाते हैं या ईसाई बनाते हैं या मजूसी, अब पता चला गोद का बड़ा असर होता है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने? नहीं है मजमा, क्या कहने, गोद का बड़ा असर होता है, गोद का बड़ा असर होता है। बच्चा तो मुसलमान पैदा होता, पालने वाली गोद कभी यहूदी बना देती है, कभी नसरानी बना देती है, कभी मजूसी बना देती है। गोद का बड़ा असर है, गोद का, पालने वाली गोद का बड़ा असर है। और अगर किसी की गोद में पलने वाला कोई मोहम्मद बने,
क्या कहे? कोई अली बने, क्या कहे? कोई अकील बने, कोई जाफर तैयार बने, क्या कहने? क्या सुभान अल्लाह है इधर, माशाल्लाह, क्या कहने? या बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौजूद दीन है, हर बच्चा दीन की फितरत पे पैदा होता। ये माँ बाप हैं, कभी यहूदी कभी ईसाई कभी मजूसी बना देते हैं, और अगर किसी की गोद में पलने वाले चारों बेटे इस्लाम के मुहाफिज बने, पलने वाला भतीजा कायनात का मालिक बने, उसका सब कहें कि इस्लाम का सबसे बड़ा मोहसिन, इस्लाम की सबसे बड़ी दीवार, इस्लाम का सबसे बड़ा सुतून, अगर ये ना होते तो मोहम्मद का दीन आगे ना बढ़ता। मुस्तशरकीन ने, ओरिएंटलिस्ट ने, यूरोप अमेरिका में इस्लाम पे तहकीक करने वालों ने लिखा कि अगर अबू तालिब की सरदारी ना होती, अबू तालिब का बेटा अली ना होता, अबू तालिब ने दीन के लिए कुर्बानियां ना दी होती, मोहम्मद का दीन आगे ना बढ़ता। तवज्जो सारे मजमे की, वो ओरिएंटलिस्ट कहते हैं रसूल खुदा का, मोहम्मद मुस्तफा का दीन आगे ना बढ़ता, तरक्की ना करता, अबू तालिब की बूढ़ी हड्डियों ने, सफेद बालों ने कुर्बानियां ना दी होती। सारे गैर मुस्लिम मानते हैं कि मोहम्मद का दीन तरक्की कर रहा था तो सिर्फ अबू तालिब की वजह से। अगर अबू तालिब का कभी कोई दुश्मन मिलता है, उनको काफिर कहने वाला मिलता है, वा, वा, तो वो भी सिर्फ मुसलमानों में। वा, 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 वा। क्या है दर, है दर, नारे हैदरी, हैदरी बर मोहम्मद आले मोहम्मद सलावात, अल्लाहुम सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और फरमा रहे हैं सिदाने की रहमत, क्या कहने? क्या कहने? सारे गैर मुस्लिम मानते हैं कि सबसे बड़े मुहाफिज, सबसे बड़े सपोर्टर, सबसे ज्यादा सरवर कायनात की मदद करने वाले हजरत अबू तालिब थे। ऐसा ही है, और सिर्फ अगर मिलेंगे नहीं, काफिर थे कहने वाले तो काफिरों में नहीं मिलेंगे, वो भी कलमा गो में मिलेंगे, मुसलमानों में मिलेंगे नहीं। ये पता नहीं किसका जुमला, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बिल्कुल सच है। जुमला मेरा नहीं है, जिसका भी है वो ये कहते हैं कि इस्लाम के साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही हुई है कि जो फर्स्ट क्लास मुसलमान थे उन्हें काफिर डिक्लेयर कर दिया, और जो थर्ड क्लास काफिर थे। क्या कहने? क्या कहने? बात पहुंच गई, मैंने कुछ भी नहीं कहा। ऐजाने गिरामी, ये बड़ा बहुत बड़ा मसला है, दीन समझना बहुत जरूरी है। तो आइए जरा मैं दीन को पेश कर रहा हूँ, दीन और हिकमत। तो अल्लाह सुबहान तआला फरमा रहा है कि हुव अल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, वो अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ भेजा है और दीन हक के साथ भेजा है। दीन इसकी लुगवी माना है जजा के, इताअत के, मालिक यौमिद्दीन, मालिक रोजे जजा, और इस्तिलाही माना है उसूल दीन और फुरूए दीन के, अकीदे और अमल के। हर दीन में कुछ ना कुछ अकीदे की चीजें होती हैं, कुछ अमल की चीजें होती हैं। हर दीन में कुछ ना कुछ अकीदे की चीजें होती हैं, कुछ अमल की। आज पूरी दुनिया के अंदर पहली दफा ऐसा हुआ है, मुझे न्यूज में बताया, मैं टीवी नहीं देखता हूं, वैसे भी मुझे मौका नहीं मिलता मुहर्रम में तो बिल्कुल नहीं। तो कल रात मुझे कुछ लोगों ने बताया कि पहली दफा इस्लाम की तारीख में ऐसा हुआ है। तवज्जो है मजमे की, पहली दफा इस्लाम की तारीख में ऐसा हुआ है कि हर साल खाना काबा का जो गिलाफ है ना, गिलाफ काबा, सितर काबा, इसके अहकाम है,
उसे खाना काबा को उसकी अजमत है सित्र किया जाता है ना, तो नौ जिलहिज जब सब अराफात चले जाते हैं मक्का खाली हो जाता है तो कुछ लोग उसे गुस्ल दें, काबे को गुस्ल दें, वजू कराएं, नया गिलाफ चढ़ाएं, चादर चढ़ाई जाती है नहीं, और खाना काबा पे चादर रसूल खुदा से पहले चढ़ाई जाती थी दिया जनाब इस्माइल के साथ, तो जनाब हाजरा पहली बीबी थी जिन्होंने अपनी चादर चढ़ाई, पहुंच गए जनाब हाजरा ने चादर चढ़ाई, उस वक्त पूरा गिलाफ नहीं था, उन्होंने चादर चढ़ाई, हजरत हाजरा काबे पे चादर चढ़ाए तो अल्लाह को पसंद आए, कहे कि ये गिलाफ बना दो, क्या कहने क्या कहने, और अगर हम अलम पे क्या कहने, ताबूत पे क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ऐजाने गिरामी पहली दफा ऐसा हुआ, मुझे कल ही बताया कल रात में कि खाना काबा के खिलाफ नौ जिलहिज को तब्दील किया जाता है, इस दफा अव्वल मुहर्रम नहीं, हमारा नया साल है, हम खुशी मनाना चाहते हैं तो हम खाना काबा का खिलाफ पहली मुहर्रम को तब्दील करेंगे। भैया जो सरवर कायनात करते आए थे उसके बाद फिर तमाम खुलफा के ज़माने में जारी रहा, फिर मौला कायनात, और यहाँ तक एक रिवायत में है कि एक साल दूसरे खलीफा ने कहा कि इस साल हम खाना काबा का नया गिलाफ नहीं चढ़ाएंगे। मुसलमानों ने पूछा क्यों, कहा क्योंकि मुसलमानों में फाके हैं, गुर्बत है, इतना खर्चा आता है, इतनी महंगी चादर, इतना बड़ा गिलाफ, उस पर सोने के तारों से आयात लिखी जाएं, तो हम इस साल ये खर्चा नहीं करेंगे, ये सारा खर्चा मैं बचा के मुसलमानों को बांट दूंगा, पैसे दे दूंगा। तो मौलाए कायनात फौरन मस्जिद नबवी में आए, कहा ऐसा नहीं होगा, हम खाना काबा का नया गिलाफ चढ़ाएंगे। कहा लेकिन याली आप ऐतराइए पैसे, मुसलमानों में बांटूंगा, मुसलमानों में फाके हैं। मौलाए कायनात ने फरमाया जहां इतने फाके वहां एक और सही नहीं है, क्या नहीं है मजमा, क्या कहने, तवज्जो सुभान अल्लाह। मौला ने फरमाया कि जहां इतने फाके वहां में एक और फाका कर लेंगे, लेकिन हम खाना काबा पे खिलाफ नया चढ़ाएंगे। का याली क्यों, आप क्यों बसिद हैं कि नया खिलाफ चढ़ाया जाए, का क्योंकि खाना काबा की अजमत मुसलमानों की गैरत का मामला है। क्या कहने क्या कहने क्या कहने, खाना काबा के खिलाफ मुसलमानों की गैरत का मामला, सारे काफिर यहूदी ईसाई मुशरिक कहेंगे इनकी गैरत खत्म हो गई, अब ये काबे का खिलाफ भी बदल नहीं रहे। अब याद रखो मौला अली ने कहा या उमर खिलाफ काबा रुक नहीं सकता, हम फाका कर लेंगे खिलाफ चढ़ाएंगे। सारे मुसलमानों ने लिखा, मौला अली के एतराज पे खलीफा मजबूर हुए खिलाफ चढ़ाया। अब अगर कोई कहे हालात खराब हैं, डॉलर महंगा है, तबर्रुक ना बांटो, मजलिसे ना करो, लाइटें ना जलाओ, हमारी गैरत का मामला हैदर हैदर लब्बैक या हुसैन, दोनों हाथों को बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, माशाल्लाह बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले, आप लोग सुभान अल्लाह। अगर कोई आपसे कहे कि भाई इस वक्त हालात खराब हैं, पैसे जोड़ लो, डॉलर महंगा हो गया, हम तो पहले ही कहते रहते हैं डॉलर को मुर्दाबाद, हमें डॉलर ना दिखाओ, हम हुसैनी हैं, हम जोड़ते नहीं, हम तकसीम करते हैं। अगर तुम्हें कभी अपने यहां कमी महसूस हो कि हम अब उर्स नहीं कर सकते, मिलाद नहीं कर सकते, तो खुदा की कसम हमसे कहना हुसैन के सदके में दो। क्या कहने क्या कहने, लब्बैक या हुसैन,
दोनों हाथों को बुलंद करके। हैदरी हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद वाले। तवज्जो फरमा रहे हैं, मैं मोहब्बतों का ममनून हूँ आपकी, आपकी अकीदतों का मोहताज हूँ कि जिस तरह से आपने जनाब सैयदुश्शहदा की उस अकीदत की वजह से मेरे इस जुमले को कबूल किया। अज़ीज़ाने गिरामी, दुनिया देख रही है, तो अब ये जो पेश कर रहा था, तो अब ये आज बताया गया कि नहीं, ग़िलाफ़ काबा अब अव्वल मुहर्रम से कोई अपने आप को कहता है बनने वाला बादशाह, इन्हें कोई ये समझा दे ये बादशाहतें हैं हुसैन इब्ने अली के कदमों की खाक से मिलती। बेशक बेशक। और जो हुसैन से टकरा जाए, बादशाह भी हो हुक्मरान भी हो, क्या कहने, तख्त रखता हो, ताज पहनता हो, लिबास कीमती हो, सोने जवाहरात हो, 9 लाख के लश्कर का मालिक हो, दमिश्क की सल्तनत हो, तो दुनिया की ठोकरों में आ जाता, फिर उसे कोई नहीं कहता रजी अल्लाह, जो कहता है वो भी लानतुल्लाह हो जाता। क्या कहने, हुसैनियत हुसैनियत, यजीदियत यजीदियत, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐजाने गिरामी, बस ये मुझे कहना जरूरी था, अगर मुझे कोई ना बताता मैं कुछ ना कहता। मेरा हज बंद है, कई साल हो गए आज जब से ऐसे लोग आए हैं, तो मुझे कोई परवाह नहीं है कितने मुल्कों के वीज़े बंद हो गए। पाकिस्तान में भी मुझे चंद शहरों में पाबंदियां लगा दी गई हैं, और पाबंदियों के बावजूद पढ़ के आया हूँ। क्या कर सकते हो, पाबंदियाँ लगा सकते हो, उससे ज्यादा क्या कर सकते हो, कत्ल कर सकते हो। तुमने तारीख नहीं देखी, हुसैन हुसैन करने वाले पाबंदियों से डरते नहीं है। क्या कह, जो जिक्र हुसैन रुकवाते हैं ना, वो हवाओं में फटके बिखर जाते हैं। क्या कह, सुभान अल्लाह सुभान, है हमारी दरसगा, है हमारी दरसगा, हक का सीधा रास्ता, ये दर्श करबला का है, ये दर्श करबला का है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत सल्ले अला मोहम्मद। पंखा मेरे लिए खास, मेरे लिए खास एक पंखा अलग से लगा दीजिएगा खुदारा, मैं यकीन मानिए इस वक्त कोई और मारे ना मारे गर्मी से मर जाऊंगा। बराए सेहत सलामती कुल उलमाए हक बुलंदर सलावत सल्ले अला मोहम्मद मोहम्मद। ऐजान गिरामी, आपकी इन अकीदतों मोहब्बतों के साथ आपकी तरफ से पेश कर रहा हूं जनाब सैयदुश्शहदा का दीन। इंसान की कीमत क्या है, इंसान अगर अपने लिए कोई मकसद बना ले ना, मेरे लिए मकसद अंगूठी है, उसकी उतनी ही कीमत होती है जिस चीज को वो अपना मकसद बना ले। जिंदगी का मकसद एक मकान है, पूछे भी क्या कीमत है आपकी, कभी इनकी 2 करोड़ कीमत है। क्यों, हदफ मकान था, 2 करोड़ का मकान। इसकी कीमत एक गाड़ी की कीमत है, बस। तवज्जो, सख्त बात कह रहा हूं, खास तौर से मेरे नौजवानों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, बुजुर्गों की दुआएं लूंगा इस जुमले पे। इंसान की कीमत क्या होती है, कीमत कुल इम्मा यहसनो, जनाब मौला कायनात का जुमला। एक आदमी ने जिस बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में पेश किया था, मरहूम हो गया, अल्लामा मोहम्मद तकी जाफरी, बहुत बड़े मुफक्किर थे, बहुत बड़े फलसफी फकीह, नहजुल बलागा पे शर लिख रहे थे, 27 जिल्दें लिखी थी, इंतकाल कर गए, मुकम्मल नहीं कर सके, अभी नहजुल बलागा आधी भी नहीं हुई थी। उनको एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया तो उन्होंने कहा था कि हर इंसान की कीमत उतनी है, मौला फरमाते हैं, जो वो अच्छी तरह से अंजाम दे सके, जो वो बेहतरीन सबसे अच्छा काम करता है ना, बस इंसान की कीमत वो होती है।
जो वो सबसे अच्छा काम अंजाम दे ले इसकी कीमत वो है। तवज्जो, हर इंसान की कीमत वो है जो वो सबसे अच्छा काम अंजाम देता। अगर कोई अच्छी नौकरी कर रहा है बस उसकी कीमत उतनी है, अगर कोई अच्छा मकान बना रहा है उतनी ही कीमत है, कोई गाड़ी का हदफदार मकसद उसका गाड़ी बस उतनी कीमत। इसलिए हम लोगों ने सोचा, शियों ने सोचा, हम दुनिया को अपनी कीमत क्यों बताएं कि कीमत क्या है, क्यों ना हम हुसैनी बन जाएं। क्या कहने, तो हम सबसे अच्छा जो काम करते हैं वो है आजादारी। क्या बात, अब आजादारी की कीमत हमसे ना पूछो, पैगंबर से पूछो। क्या कहें, पैगंबर फरमाते हैं हुसैन की आजादारी पे आने वाले एक आंसू की कीमत जन्नत है। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान। हर हर आजादार की कीमत जन्नत है। आप बेअर्जिश नहीं, दीन इंसान को कुव्वत देता है। आए जरा एक और पहलू पेश कर रहा हूं, इसी पे तमाम कर दूंगा। कीमत इंसान की वो जो हर सबसे अच्छा काम अंजाम दे सके, पेश कर रहा हूं आखिरी, अल्लाह करे मैं इसको मुकम्मल कर सकूं। परवरदिगारा ताकत दे कि जनाब सैयद शहदा का जो मैं पेश करना चाह रहा हूं वो मैं पहुंचा सकूं। अजाने के रामी, दीन क्या है? इंसान जिस्म पे सेहत पे दौलत कुर्बान करता है और अपना जिस्म अपनी जान अपनी इज्जत पे कुर्बान करता है और अपने दीन पे अपनी इज्जत भी कुर्बान कर देता है। अब कुछ लोग पहुंच गए, ऐसा ना हो कि दीन पे इंसान जो हर चीज कुर्बान करने वाला हो वो दीन को दुनिया पे कुर्बान करे, दौलत पे कुर्बान करे, जान पे कुर्बान करे। जानता हूं सख्त जुमला कह रहा हूं, कहूंगा। आया ऐसे आज लोग हैं, हैं, सुने जिस पहलू को पेश करना चाहता हूं। हर चीज दीन पे कुर्बान, सबसे जो आसान चीज है ना कुर्बान करने वाली वो है वो दौलत। हर आदमी दौलत दे सकता है, कुछ दौलत भी नहीं दे सकते। जान देना बहुत मुश्किल है, हर आदमी जान नहीं दे सकता दीन पे। कुछ इतनी अपनी ईमानदारी बढ़ा लेते हैं कि जान तक कुर्बान कर देते हैं, और उससे ज्यादा मुश्किल है आबरू, इज्जत। इज्जत और आबरू कोई कुर्बान नहीं करता। अहले बैत ने अपनी आबरू तक दी है। जनाब सैयद शहदा को पता था मेरा सर नेजे पे उठाया जाएगा, बाजारों में ले जाया जाएगा। जनाब जैनब को पता था मैं दरबार में ले जाया जाऊंगा। अपनी आबरू तक दीन पे कुर्बान की। मैं भी मसायब पे नहीं आया, दो जुमले सुन लीजिएगा फिर मसायब। चार से पांच मिनट की जहमत दे रहा हूं। मैं जानता हूं आप लोग यहां जगह नहीं है बैठने की। आखिरी पहलू सुन लीजिए, ये मेरी अपनी मेहनत है जिसको पेश कर रहा हूं। ईद उल फितर आती है तो आप क्या देते हैं? फितरा। फितरा किस चीज का होता है? अनाज का। मेरे भाई बोल रहे हैं ऊंची बोले, अनाज का होता है, गंदम चावल आटा कोई भी चीज, खजूर किशमिश। ईद उल फितर पे अनाज देते हैं। फितरा, फितराना वाजिब है। जानवर की कुर्बानी देनी होती, गोश्त देना होता, क्योंकि जानवर महंगा है, अल्लाह ने वाजिब करार नहीं दिया। फितराना गरीब अमीर सब पे वाजिब, कुर्बानी सब पे वाजिब नहीं है। तवज्जो हो, ईद उल फितर पे अनाज, ईद उल अजहा पे गोश्त, ईद गदीर आती है वहां नफ्स की कुर्बानी देनी होती। आप पहुंच गए बरादरा, क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान। तवज्जो, बहुत उम्दा। ईद उल फितर पे अनाज दे, ईद उल अजहा पे गोश्त की कुर्बानी, ईद गदीर नफ्स, फिर आती है ईद मुबहला, वहां पे इज्जत। क्यों? वहां इज्जत इसलिए देती है क्योंकि सैयदा आ रही हैं। अब ईदें खत्म हो गए, आ गया मुहर्रम। परवरदिगारा यहां क्या दूं? अल्लाह कहेगा वहां था अनाज गोश्त नफ्स इज्जत। परवरदिगारा अब हुसैन का मामला क्या दूं? अल्लाह कहता है यहां सब कुछ दे दे। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहां सब कुछ क्यों? वहां इब्राहिम और इस्माइल का मामला था, वहां अली और जहरा का मामला, वहां रसूल खुदा, यहां हुसैन का मामला है। किसी ने इतनी कुर्बानियां नहीं दी जितनी हुसैन अपने अली ने। अल्लामा इकबाल ने कहा था, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अक्ल सोच रही थी इब्राहिम कूद गए थे, ये इश्क था। आज लोग हमसे पूछते हैं, एतराज करते हैं। मैंने खुद सुना, एक मुल्ला ने कहा हुसैन की गलती है, 72 के साथ क्यों गए थे, मारे जाना था, वहां लाखों की फौज थी, हुसैन 72 के साथ चले गए, वो तो मारना ही था उन्होंने। ये इश्क का मामला है। हुसैन जानते हुए गए। जब पूछा हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने, मौला गुस्साखी ना हो तो अर्ज करूं, करबला ना जाइएगा, इन्होंने आपके बाबा के साथ भाई के साथ वफा नहीं की। मौला ने एक मरतबा देखा, कहा कि ए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, मैं शहादत के लिए जा रहा। कहा आप मरने जा रहे हैं? फिर मुझे समझ नहीं आता बहनों को साथ क्यों ले जा रहा। तो आपने फरमाया मेरे नाना का दीन मेरी वजह से बचेगा और मेरी कुर्बानी मेरी बहनों की वजह से। मुझसे फरमाइश की गई है आज के मसाइब के लिए, जब भी कोई मजलिस में आता है ना, हाँ हम रसूल खुदा को पुरसा देते हैं, हाँ हम जनाब अमीर को पुरसा देते हैं, हाँ इमाम हसन को, मौला सज्जाद को, इमाम जमाना को पुरसा देते हैं, लेकिन तीन बीबियों को जरूर पुरसा दीजिएगा। पहली बीबी है जनाब सैयदा, बीबी को बड़ी मोहब्बत थी मौला हुसैन से। एक मां को जरूर पुरसा दीजिएगा। क्या कहेंगे जनाब सैयदा को, बीबी आपको मौला हुसैन की प्यास बर्दाश्त नहीं ना होती थी। मैंने यहां पहले पेश किया था एक मरतबा, कमजोरी नहीं कह सकते क्योंकि मासूम में कमजोरी नहीं होती, इसलिए कहते हैं खासा। मौला हुसैन का खासा था कि आपको प्यास ज्यादा लगती थी। जनाब जैनब का खासा ये था, उनको हया ज्यादा आती थी। मौला सज्जाद का खासा ये था, उन्हें गैरत ज्यादा आती थी। अगर किसी बच्ची की भी चादर उतर जाती थी तो मौला सज्जाद बर्दाश्त नहीं करते थे। तीन बीबियों को पुरसा देने आए हैं, बड़ी जहमत से बैठे हैं। मैं देख रहा हूं कोई पहलू भी बदलना चाहे तो पहलू बदल नहीं सकता, लेकिन आप घर चले जाएंगे ना, आप यहां खाक पे बैठे तो नहीं रहेंगे। वो मेरी जो माएं बहने बेटियां आई हैं, मैं देख रहा था अभी भी पानी उन्होंने साफ किया, गारा था, फिर भी आके बैठ रही हैं। मैं अपनी बहनों से बेटियों से हाथ जोड़ के कहूंगा आप तो चले जाएंगे, लेकिन करबला में एक छोटी बीबी खाक पे बैठी रहे। वो आम बीबी नहीं थी, वो बीबी थी जो हुसैन के सीने पे सोती थी। अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह। मैं 10 से 15 मिनट पढ़ना चाह रहा हूं, बर्दाश्त कीजिएगा। पहली बीबी जनाब सैयदा जिन्हें पुरसा देंगे, दूसरी बीबी किन्हें पुरसा देने आए, जनाब जैनब कुबरा। जनाब जैनब को बड़ी मोहब्बत थी भाई से, अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद कर लीजिएगा। जानते हैं जब जनाब जैनब की शादी हो रही थी तो जनाब अमीर ने सवाल किया, बेटी जैनब मेरे भतीजे अब्दुल्ला का रिश्ता आया आपके लिए, आप राजी हैं? का बाबा जो आपका फैसला मैं राजी हूं, लेकिन बाबा जान मेरी एक शर्त है। बाबा जान जब आप मुझे शादी करके अब्दुल्ला के घर भेज देना
अब्दुल्ला को बता दीजिएगा मैं हर रोज अपने भाई हुसैन को देखने घर आया करूंगी। बाबा मैं जी नहीं सकती जब तक हुसैन को ना देखूं। तो मौला अली ने फरमाया क्या बेटी मैं आपकी शर्त अब्दुल्ला को बता दूं। जनाबे अब्दुल्ला ने कबूल कर लिया। कहा चचा जान मुझे जैनब की शर्त कबूल है। जब 60 हिजरी 28 रजब का दिन आया ना तो जनाबे सैयदुल शुहदा ने कहा अब्बास जैनब को बता दो मैं करबला जा रहा हूं और शर्त रखी थी जब मैं मेरा भाई करबला जाएगा ना मैं साथ करबला जाऊंगी। तो जनाबे जैनब ने फौरन जनाबे अब्दुल्ला अपने जाफर तैयार से कहा फरमाया अब्दुल्ला आपको याद है मैंने अक्द के वक्त शर्त रखी थी जब मेरा भाई करबला जाएगा ना मैं साथ जाऊंगी। तो अब जनाबे अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने मना नहीं किया बड़े ढके छुपे अल्फाज में इजहार किया कि अगर आप रुक जाएं तो बेहतर है। फरमाने लगे जैनब मैं बूढ़ा हो गया हूं बीमार हूं मुझे सहारे की जरूरत है। तो जनाबे जैनब के आंसू बहने लगे। फरमाया अब्दुल्ला अगर आप मुझे रोकेंगे ना तो मैं करबला नहीं जाऊंगी मैं करबला नहीं जाऊंगी अगर आप रोकेंगे। लेकिन अब्दुल्ला मेरी एक बात याद रखिएगा मैं जिंदा नहीं रहूंगा मैं हुसैन के बगैर मर जाऊंगी। अगर आप ये समझ रहे हैं ना मैं जिंदा रहूंगी मैं जिंदा नहीं रहूंगी। जनाबे अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने फरमाया हां जैनब मैं जानता हूं आप जी नहीं सकेंगी आप जा सकती हैं बस भाई कल विदाई के पढ़ूंगा कुछ और मसाइल पढ़ूंगा आज सुन लीजिए। तीसरी बीबी का भी तस्करा सुन लीजिए। तीन बीबियों को जरूर पुरसा दीजिएगा। जानते हैं तीसरी बीबी कौन है? दमिश्क शहर है वहां एक सफेद रोजा है जो किसी जिंदान पे बनाया गया है। जिंदान में एक छोटी सी कब्र है उस कब्र में एक बीबी है वो हुसैन के सीने पे सोया करती। तीसरी बीबी जनाबे सकीना 5 से 10 मिनट बर्दाश्त करेंगे पढ़ूं और मेरे साथ चलिएगा। इन तीन बीबियों को जरूर पुरसा दीजिएगा। मुझसे एक नौजवान ने दरख्वास्त की मौलाना हो सके तो एक बहन को भाई से जुदाई के मसाइल पढ़ दीजिएगा। मुझे कल यहाँ बताया गया कि ज़ियारत है इसलिए मैं पेश कर रहा हूँ रुख्सती के चंद जुमले। जनाबे सैयदुल शुहदा ने कहा अब्बास मैंने फहरिस्त बना दी है जिस जिसका नाम फहरिस्त में है आप उन सबको बता दीजिए वो करबला जाएंगे। मेरी तरफ देखिएगा जरूर सब मेरी तरफ देखिएगा। मौला अब्बास ने फहरिस्त हाथ में ली बताना शुरू किया बीबी आपका नाम भी करबला जाने वालों की फहरिस्त में है बीबी आपका नाम भी। फिर जवानों को बताना शुरू किया अली अकबर आपका नाम भी कासिम आप भी अब्दुल्ला आप भी ओनो मोहम्मद आप दोनों भी। बस भाई एक मर्तबा आए छोटी बच्चियों को बताना शुरू किया का फातिमा सुगरा आपका नाम भी है सकीना आपका नाम भी है। इतने में एक बच्ची ने कहा चचा चचा जान आपने मेरा नाम नहीं लिया बच्ची का नाम है फातिमा सुगरा। मौला अब्बास ने कहा बीबी आपका नाम नहीं आपका नाम नहीं है। बीबी ने जनाबे सैयदुल शुहदा से कहा बाबा जान चचा कहते मेरा नाम नहीं है
करबला जाने वालों में का बेटी आप बीमार हैं, का बाबा जान मुझसे हलफ ले लें मैं कभी भी बाबा जान मुझे जरूर ले चले। नहीं बेटा, बास जुमले में नहीं पढ़ता। मरहूम सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी दामाद अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलिसी, उन्होंने जुमला लिखा कि बीबी ने खत लिखा था जब मौला हुसैन करबला चले गए, और जानते क्या लिखा था? बाबा अगर आप भैया अली अकबर की तो बाबा मुझे बुला लीजिएगा। अब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, चार से पांच मिनट की जहमत दूंगा, मैं एक घंटा पढ़ना नहीं जा रहा था। एक जुमला सुन लीजिए बस। जनाबे अब्बास ने नाका तैयार किया, ऊंटनियों पे अम्मारियां सजाई, मखमल के कपड़े लगाए, बड़े बड़े महंगे कपड़े, अली की बेटियां जा रही हैं, ऊंटों पे पानी लदा, जवानों से आवाज दे के कहा मौला 28 रजब की रवानगी है। हाँ मौला हुसैन मसनद बिछा के बैठ गए। रावी कहता मैं देखने पहुंचा मदीने वाले रसूल खुदा की जान हुसैन है कैसे विदा करते। मौला हुसैन पहले नाना के रोजे पे गए और एक मर्तबा ऐसे कब्र से लिपट के रोए कि खुद ही फरमाते मैं रो रो के बेहोश हो गया। मौला फरमाते जब मैं बेहोश हो गया तो मैंने देखा मेरे नाना कब्र से उठे, और जब मैं छोटा सा था जैसे मुझे गले लगाते थे ना, मेरे नाना ने मुझे गले लगाया और रोने लगे। मैंने कहा नाना आपकी उम्मत मुझे मदीने में रहने नहीं दे रहे, नाना मैं करबला जा रहा हूं। नाना जान जनाबे सैयद शहदा ने फरमाया मेरा कोई भाई बेहोश हो गया वहां। जानते क्या फरमाया? क्या नाना जान मेरे लिए क्या हुक्म है? तो जनाबे सरवर कायनात ने फरमाया इन्नल्लाह शाह अन यराका कतीला, बेटा मशीयत तो यही है कि आपकी शहादत होगी। जनाबे सैयद शहदा ने फरमाया नाना जान मुझे कबूल है। नाना जान मेरी बहनों के लिए क्या हुक्म है? अब सुनिए पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया का इन्नल्लाह शाअ अय्यराहुन्ना सबाया, अलवकाय वल हवादिस में सब जगह मौजूद है। रसूल खुदा ने फरमाया मशीयत तो ये है कि आपकी बहनों को कैदी बनाया जाए। सैयद शहदा ने फरमाया नाना मैं अली अकबर दे दूंगा, मैं अली असगर दे दूंगा, मैं अब्बास दे दूंगा, नाना मैं अपना सर दे दूंगा, नाना मेरी बहनों का कैदी बनना, नाना मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती। अजरकुम अल्लाह, आए जनाबे सैयद शहदा मां की कब्र पे तशरीफ लाए। जैसे एक छोटा बच्चा मां से लिपट के रोता है ना, सैयद शहदा कब्र से लिपट गए और ऊंची ऊंची रोने लगे अम्मा मैं करबला जा रहा हूं। मेरा दिल कहता है जनाबे सैयदा ने कहा होगा बेटा आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं आपके साथ जाऊंगी। बेटा जब आप जुलजना से गिरेंगे मैं बुरके का दामन फैलाऊंगी, जब शिमर खंजर चलाएगा मैं उंगलियां गर्दन पर रखूंगी। बेटा आप तन्हा नहीं जाएंगे। बस भाई दो से चार मिनट की जहमत दूंगा। जनाबे सैयद शहदा ने नाना से विदा किया, मां से विदा किया, घर आ गए। अब्बास तैयारियां मुकम्मल है, कहा मौला मैंने इतना पानी रख लिया है कि इस काफिले के लिए साल भर के लिए काफी है, इतना पानी है। अगर जनाबे हुर के लश्कर को नाना पिलाते तो पानी खत्म ना होता। मौला ने मसनद बिछाई। जनाबे अब्बास ने किसी कनीज से कहा बताती रहो कौन सी बीबी आ रही है, मैं उस बीबी के
जो वाबस्ता है ना उनको बुला दूंगा। एक मर्तबा अंदर से कनीज ने आवाज दी, कासिम, जनाब कासिम की माँ हजरत उम्मे फरवार, जनाब अब्बास ने आवाज दी, कासिम अब्दुल्लाह ओनो मोहम्मद, कोई अम्मारी का पर्दा हटाओ, कोई घुटना जमीन पे रखो, कासिम माँ का बाजू पकड़ो, नाका पे सवार करा दो। इतने में आवाज आई, लैला आ रहे हैं। जनाब अब्बास ने कहा, अली अकबर माँ का बाजू पकड़ो, कासिम घुटना रखो, ओनो मोहम्मद अम्मारी का पर्दा हटाओ। मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए, हाथ जोड़ के कह रहा हूं सब मेरी तरफ देख लीजिएगा, अब मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा। इतने में किसी कनीज ने आवाज दी, अली की बेटी उम्मे कुलसूम आ रही। जनाब अब्बास ने कहा, अली अकबर बाजू पकड़ो, मौला अब्बास ने घुटना जमीन पर रखा, जनाब कासिम ने पर्दा हटाया, जनाब उम्मे कुलसूम को सवार कराया। इतने में कनीज ने कहा, अली की बेटी जैनब कुबरा तशरीफ ला रही हैं। जनाब अब्बास खड़े हुए, अम्मारी का पर्दा हटाया, जनाब अब्बास आगे बढ़े, जनाब अली अकबर आगे बढ़े। एक मर्तबा जनाब जैनब ने आवाज दी, ओनो मोहम्मद रुक जाओ। जनाब अब्बास ने कहा, अली अकबर फुफी को सवार करा दीजिए। जनाब जैनब ने जनाब अली अकबर को देखा, कहा मेरे लाल रुक जाओ। रावी कहता, मैंने देखा मौला हुसैन खुद आगे बढ़े, कहा जैनब हुसैन आपको सवार कराएगा। बीबी ने कहा, भैया मुझे माफ कर दीजिए, आज मैं आपसे भी सवार नहीं होंगे। एक मर्तबा मौला हुसैन ने पूछा, बहन कौन सवार कराए? कहा भैया मुझे आज 28 रजब को नाका पे वो सवार कराए जो 11 मुहर्रम को कर्बला में मुझे नाका पे सवार कराएगा। मौला हुसैन ने सर उठाया, कहा सज्जाद मेरे लाल फुफी को सवार कराइए। على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون दो दुआ के जुमले सुनेंगे या अब बर्दाश्त नहीं है? नुहा होगा, बस भाई नुहा होने वाला है, अभी आप मातम कर। दो दुआ के जुमले, हाथों को बुलंद कीजिए। परवरदिगारा, जब 28 रजब 60 हिजरी में बीबियां नाका पे सवार हो रही थी ना, मेरी तरफ देखिएगा हाथ उठा के, तो सबके सरों पे बुरके थे। ऊंटनी को जब बिठा भी देते हैं ना तो पुश्त बुलंद होती है, अम्मारी को पकड़ना पड़ता है। लेकिन जब 11 मुहर्रम आए, बीबियों के हाथ बंधे थे, चादरें नहीं थी, जब शिमर ने कहा सज्जाद बीबियों से कहो सवार हो जाए, एक बीबी ने कहा मैं सबको सवार कराऊंगी। नाम है ज़ैनब, बीबी ने कहा मेरा सहारा लो सवार हो जाओ। खुदा की कसम, यहां तक कि मां की कनीज हजरत फिजा को सवार करा दिया। जब सबको सवार करा दिया ना, तो जनाब जैनब एक मर्तबा रोने लगी। क्यों? मौला सज्जाद के हाथों में जंजीरें थी, गले में तौक था, पाओ में बेड़ियां। तो मौला सज्जाद, खुदा की कसम, जनाब जैनब ने मौला सज्जाद को नहीं बुलाया, फरात का रुख किया और ऊंची ऊंची रोने लगी, अब्बास जरा आओ, देखो बहन कितनी मजलूम है। अब मौला सज्जाद आगे बढ़े,
का फूफी अम्मा अभी भतीजा जिंदा है, मेरे घुटने पे पांव रखिए, परवरदिगारा वास्ता बीबियों की मजलूमियत का, हमारे असादारों की असादारी की हिफाजत फरमा। बानियान मजलिस, शिरकत कुनंदगान, पढ़ने वालों सुनने वालों की तौफीकात में इजाफा फरमा। बहुत से लोगों ने इल्तिमास से दुआ की है, बहुत से असीर हैं, बीमार हैं, परवरदिगारा करबला के असीरों का वास्ता, सबकी दुआएं मुस्तजा फरमा। परवरदिगारा अभी तो पहली मुहर्रम हुई है, मसायब में मेरे भाई मेरे बच्चे इतना रो रहे हैं, एक बच्चा यहाँ पे बेहोश, एक वहाँ, परवरदिगार क्या करेंगे आप सात मुहर्रम को? मैं जब जनाबे अकबर की शहादत पढ़ूंगा तो क्या करेंगे? मैंने तो अभी शहादत पढ़ी ही नहीं है, माफ कीजिएगा, मुझे एक आखिरी वास्ता दे रहा हूँ। परवरदिगारा तुझे वास्ता उस बीबी का जिनके पांव बड़े जख्मी थे, सारे अजादारों की हर दुआ कबूल फरमा। हमारी गुनहगार आंखों को इमाम जमाना का जहूर देखना नसीब फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक मुहम्मद व आलिही तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। मातम हुसैन।